जय श्री गुरु। घर का खाना विधांति देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरिताल का तीज व्रत का पूजा करेंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका से। हरिताल का तीज व्रत करने के लिए सबसे पहले चौकी को धो लिए हैं और चार केला का पत्ता लिए हैं, एक इस तरफ आगे से बांध दिए हैं और दूसरा है और इधर एक तीसरा पत्ता बांध दिए, ये चौथा पत्ता है और चारों पत्ता से बांध कर एक चुंदरी ओढ़ा दिए हैं। ये छोटा सा मंडप बनाए हैं, तो मंडप में हम सिंपल और आसान तरीका से पूजा करेंगे। अब एक लाल कपड़ा बिछाएंगे चौकी पर। अब चौकी पर एक फोटो रखेंगे शिव गुरु जी माता पार्वती जी के साथ फोटो रखते हैं। अब गौरी गणेश जी बनाएंगे, मट्टी का गौरी जी बनाए हैं अपना अंगूठा के नाप से, जितना बड़ा अंगूठा रहता है उसके नाप से मट्टी का माँ गौरी बनाए हैं और एक सुपारी में इस तरह से रक्षा सूत्र लगा कर गणेश जी बनाए हैं। यहाँ पर रखेंगे बालू का शिवलिंग बनाए हैं। चावल का पिठार है, चावल को पानी में भिगो कर फिर पेस्ट बना लिए थे, चावल के आटा का भी बना सकते हैं और हल्दी मिक्स कर दिए हैं। अब डलिया भर लेंगे, एक बांस का डलिया है जिसमें शिव गुरु जी के लिए प्रसाद चढ़ा रखेंगे और इसमें माँ पार्वती जी के लिए प्रसाद रखेंगे। डलिया भरने के लिए इस तरह से पिठार लेंगे और लगा देंगे। पिठार और सिंदूर लगा लेंगे, दोनों डली अब अच्छत रखेंगे, सुपारी रखेंगे, धतुरा का फूल रखेंगे, पान पत्ता रखेंगे, फूल का काटा रखेंगे, एक एक लाल पुष्प रखेंगे, फल में भी इस तरह से पिठार लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे, वो संतरा लेंगे। दो मक्का लेंगे, दो शरीफा लेंगे, दो अनार लेंगे, दो दो सेब लेंगे, इन सब में इस तरह से लगाते जाएंगे। केला रखेंगे, दो पूरी रखेंगे, गुजिया रखेंगे, दो खट्टा रखेंगे, पैकेट रखेंगे, बताशा रखेंगे, लड्डू रखेंगे, सामा का सत्तू रखेंगे, एयरकॉन का फूल रखेंगे, बेल पत्ता रखेंगे, दही रखेंगे, ताजा दही से पूजा होता है, जिस दिन पूजा रहता है उसी दिन दही जमाते हैं, साबुत मूंग को भिंगा कर रखे थे, इस तरह से हो गया है। लाल पीस रखेंगे, माता के लिए चूड़ी रखेंगे। डलिया हमारा भरा गया है, अब पूजा करेंगे। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।